मित्रों आपका स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं और श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। श्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के अंदर 29 सितंबर की रैलियों की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। दिल्ली के नागरिकों में बहुत बड़ी उत्सुकता है, चाहे वो आरडब्ल्यू हो या ट्रेडर एसोसिएशन हो या बीजेपी के वर्कर्स हो, शहर को सजाया जा रहा है। लाखों लोग इस रैली में शिरकत करेंगे, इसके लिए हमने लोगों को सुविधाएं दी हैं। लोग बसों के माध्यम से आएंगे, लोग कारों के माध्यम से आएंगे और लोग मेट्रो के माध्यम से आएंगे। जगह जगह पर साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह से पहुंचने के अंदर कोई असुविधा ना हो। पानी की, मेडिकल एड, पार्किंग, इन सब की सुविधाएं करी गई हैं। बसें एक जगह पार्क होंगी, कारें दूसरी जगह पार्क होंगी। पूरे रोहिणी के जापानी पार्क को चारों तरफ से सजाया गया है। सभी बड़े नेताओं के कटआउट्स वहां पर होंगे। 3 स्टेज होंगी। बीच वाली स्टेज के ऊपर श्री मोदी जी और नेता उपस्थित रहेंगे। हमने जनता को 10 बजे का समय दिया है, उसके आधे घंटे बाद रैली की कार्रवाई मंच से आरंभ हो जाएगी। भारी संख्या में लोग, चाहे वो किसी धर्म और जाति और समुदाय के हों, यहाँ तक मैं ये भी कह सकता हूँ कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, दूसरे राजनीतिक दलों के लोग, कार्यकर्ता भी स्वतः ही इस रैली में वैसे ही आ रहे हैं जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए पार्लियामेंट के अंदर कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन लोग एमपीज उनको सुनने के लिए अपने घरों से निकलते थे और लोग उनकी रैलियों में जाते थे। वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए लाखों लोग उनको 29 तारीख को सुनने आएंगे। आज की जो मुख्य तो मैंने मीडिया को धन्यवाद करने के लिए ये प्रेस की है। आपने जिस तरह की कवरेज इसमें दी है, अखबारों के अंदर दी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका आभार व्यक्त करती है। इस रैली की प्रमुख बात यह होगी कि यह श्री नरेंद्र मोदी की रैली दिल्ली विधानसभा के चुनावों में मील का पत्थर साबित होगी। हमने इसका नारा दिया है, बदलेंगे दिल्ली, बदलेंगे भारत। दिल्ली के चुनाव पहले आ रहे हैं और इस रैली के अंदर यथासंभव वो सब हम मुद्दे उठाएंगे जिसके कारण कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली को पेरिस नहीं स्लम बना के रख दिया है। 1,60,00,000 की जनता, उसमें से 50,00,000 लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में, 30,00,000 लोग झुग्गी झोंपड़ियों में, 10,00,000 लोग स्लम के अंदर, 3 से 4,00,000 लोग पटरियों के ऊपर पड़े हैं। तो आधी जनसंख्या जो है वो पूरी की पूरी आधी जनसंख्या जो है वे उनके पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। ये सब मुद्दे हम रैली के अंदर उठाने वाले हैं। दिल्ली के चुनावों को जीतने के लिए ये रैली बहुत बड़ी साबित होगी। इस रैली के बाद दिल्ली में एक नया आगाज होगा। हम बूथ बूथ स्तर तक श्री नरेंद्र मोदी के संदेश को
हर मंडल के अंदर, हर बूथ और हर इकाई के अंदर लेकर जाएंगे। दिल्ली के अंदर जो अनाधिकृत कॉलोनियां, गांव, स्लम, बिजली, पानी, इस मुद्दों को जगह जगह के ऊपर पंडाल के अंदर भी दिखाया जाएगा, ताकि दिल्ली की जनता लाखों की संख्या में जो आ रही है वो अपना उस रोष का इजहार इस रैली के माध्यम से करेगी कि कांग्रेस सरकार को यह रैली चेतावनी होगी कि आपका 15 साल का जो शासन है वो समाप्त होने जा रहा है, 15 साल का शासन समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों, ये जो राइट टू रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ठीक समझती है और हम चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाकर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। गुजरात के अंदर जब ये 100% गुजरात के अंदर जब ये कंपलसरी वोटिंग की बात की गई थी, तब उसमें राइट टू रिजेक्ट की भी बात की थी। तो ये पहले से हम इस बात को कह रहे हैं कि राइट जो रिजेक्ट है वे इसके अंदर अवश्य होना चाहिए, इसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। किंतु कांग्रेस अभी पूरी तरह से गुमराह है, कांग्रेस अभी पूरी तरह से गुमराह है। जिस तरीके से दागियों को बचाने के लिए एक तरफ कांग्रेस ऑर्डिनेंस लाती है और दूसरी तरफ उनके उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां और अपना वक्तव्य और अपनी स्टेटमेंट देते हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है जाके। प्रधानमंत्री विदेश में हैं, उनकी साख को ना ध्यान रखते हुए भी कांग्रेस अपने पहले घर को ठीक नहीं कर रही, अपने घर को ठीक नहीं कर रही, और उनके पीछे से उस बयान को देती है जिसके बारे में पहले इन्होंने भी सहमति दी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु जब भारतीय जनता पार्टी ने इसके प्रति अपना रोष व्यक्त किया तो राहुल जी भी बाहर निकल आए। इस रैली के अंदर हमने मीडिया के लिए विशेष रूप से प्रबंध किए हैं, श्री सतीश उपाध्याय उनको मीडिया के लोग कैसे जाएंगे, आप लोगों के लिए हमने जो बैजेस हैं वो पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिए हैं या आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इस रैली के अंदर अलग अलग पूरे पंडाल को विभिन्न खंडों में बांटा गया है, उन खंडों में अलग अलग जो हमारे ज़िले हैं वो उनमें बैठने की उनकी व्यवस्था करेंगे और लगभग 1000 वॉलंटियर्स जो हैं, 1000 वॉलंटियर्स जो हैं इस पूरी रैली की देखभाल करने के लिए लगाए गए हैं। वाटर के ऊपर अलग से वॉलंटियर्स हैं, मेडिकल एड के ऊपर अलग से वॉलंटियर हैं, जो अंदर LED स्क्रीन्स लगी हैं उसके ऊपर 20 के करीब जो अंदर LED स्क्रीन्स लगी हैं उसके ऊपर अलग से वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। पूरे रास्ते के अंदर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे वो वाइट टोपी डालकर खड़े होंगे जाके, और इसके अलावा जो पार्किंग के एरिया में हैं जो बसों की पार्किंग कराएंगे उनके अलग वॉलंटियर्स होंगे, जो VIP पार्किंग्स कराएंगे उनके अलग वॉलंटियर्स होंगे। अंत में मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि इस सारे इंतज़ामों के बाद कांग्रेस सरकार इस रैली को में तरह तरह के व्यवधान डाल रही है, जैसे जितने होर्डिंग्स, बोर्ड्स, बैनर ये सब लग रहे हैं पिछले 2 दिनों से कांग्रेस सरकार ने उनको उतारना शुरू कर दिया है, उनको उतारना शुरू कर दिया है। PWD को विशेष इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और कांग्रेस जानबूझकर कुछ और बातों को भी फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसमें डेंगू की बात को भी वो लेकर आ रहे हैं बीच बीच के अंदर जाके। और इसके बाद पिछले दिनों पुलिस ने भी, जिन्होंने आज तक कभी होर्डिंग और नहीं उतारे, हमारे 4-5 कार्यकर्ताओं को उन्होंने गिरफ्तार किया। तो मेरा ये कहना है कि अभी रामलीला और दशहरा आएंगे, उनमें भी प्रचार होने वाला है, इससे पहले सोनिया जी और दूसरे लोगों की भी रैलियाँ होती रही हैं उनमें भी प्रचार हो रहा है, पर जब श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हो तो उनकी प्रचार सामग्री को उतारा जाए ये ठीक नहीं है जाके। तो इसलिए हम इसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं, मुख्यमंत्री को इस तरह से कुछ नहीं करने चाहिए।